लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों की टिकटें दी जा रही हैं। इसी के चलते बसपा की ओर से अपने जिला लोकसभा का होशियारपुर से अपने प्रत्याशी रिटायर्ड IAS अफसर खुशीराम जी को टिकट देकर भेजा गया है होशियारपुर में। अभी हम खुशीराम जी से बात करेंगे कि वो लोगों के पास कौन सा मुद्दे लेकर जाएंगे और किस बात पर ये चुनाव लड़ेंगे। बात करते हैं खुशीराम जी रिटायर्ड IAS बसपा के जो प्रत्याशी हैं होशियारपुर से। पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका जो पैतृक है, जो आप कैसी है, जो आपकी एजुकेशन क्या है और आप कब तक IAS की है और कहां से करके उसके बाद रिटायर कहां से, अभी आपने बसपा कब ज्वाइन की जी? धन्यवाद। ऐसा है कि मैंने 1967 में मैट्रिक पास किया था जी। तो 1968 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद मैंने कुछ समय बेलदार के तौर पे काम किया जंगलात महकमे में, और फिर मैं DC दफ्तर में क्लर्क लगा। क्लर्क के लगने के बाद मैं असिस्टेंट बना और साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखी। तो मैंने ग्रेजुएशन किया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया एकेडमिक। नैब तहसीलदार बना, उसके बाद मैंने तहसीलदार बना मैं, और फिर PCS बना, और फिर IAS बना मैं जो है। मैंने रोपड़ में, मानसा में, तरन तारण में और अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर के तौर पे काम किया। मुझे सेंसेस का काम जो आउटस्टैंडिंग करने के लिए राष्ट्रपति ने 3 बार अवार्ड दिया है, राष्ट्रपति मेडल दिए हैं, और 1 बार मैं भारत सरकार के द्वारा रोड सेफ्टी अवार्डी हूँ। उसके बाद मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगा हुआ था NRI सभा में, तो मैंने 2013 में समाज का काम करने के लिए रिज़ाइन किया और बहुजन मुक्ति पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट में 500 डेलीगेट्स ने मुझे इलेक्ट किया। 6 साल मैंने वहाँ काम किया बहुजन मुक्ति पार्टी में। कुछ समय मैं जो है वर्कर के तौर पे भी काम करता रहा, और उसके बाद जो देश में हालात चल रहे हैं कि SC ST एक्ट को जो डाइल्यूट कर दिया गया, रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया, और अब जो चल रहा है कि संविधान को बदलने की बात चल रही है, इस कारण मैंने सोचा कि बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करने हैं और बहुजनों को इकट्ठा करके उनको मजबूत करना है। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी जो है ज्वाइन की, और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहन मायावती जी ने और PDA ने मुझे जो अपने गठबंधन का जो उम्मीदवार बना के लोकसभा होशियारपुर में भेजा है आप लोगों के पास, तो मैं जो लोकसभा का उम्मीदवार होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि इस देश में जो हालात चल रहे हैं वो चिंताजनक हैं। कि जैसे खुशीराम जी रिटायर्ड IAS हैं, जो बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, आप उन्होंने अपने बताया अपने बारे में कैसे वे जीवन से जुड़े हुए लीडर हैं, कैसे उन्होंने लेबर से शुरू होकर यहाँ पे IAS किया और बीच में कैसे कैसे एजुकेशन गेन किया जी। हम अपने दर्शकों के लिए ये भी एक बहुत बढ़िया बात है होशियारपुर लोकसभा हल्के के लिए, जो गठबंधन की ओर से इनको प्रत्याशी घोषित किया है। मैं समझ रहा हूँ भाई, ये जो लोगों के साथ रब्ता कर रहे हैं, हमने इनसे बात की थी भी कौन मुद्दों पर लेके जाएंगे, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात करेंगे ये कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे जी। इन्होंने अपनी विद्या के बारे, शिक्षा के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, अपनी अपॉर्चुनिटीज बारे में बताया, जो इन्हें आगे बात करते हैं कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे, हम इनसे बात करेंगे पे मुद्दे कौन से हैं। खुशीराम जी आप ये बताएं पे मुद्दे कौन से लेकर आप लोगों के आवाम के पास जाएंगे। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि देश में जो हालात चल रहे हैं वो चिंताजनक है। RSS और भाजपा के जो साक्षी महाराज हैं उनके बहुत ही नज़दीकी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2024 में कोई इलेक्शन नहीं होगा। 2024 में कोई इलेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब संविधान जो खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था जिसमें समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय का प्रोविज़न किया है, उस संविधान को खतरा है। उस संविधान को बदल के ये देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और असमानता का राज जो लाना चाहते हैं, गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, जात पात को बढ़ावा देना चाहते हैं, ऊंच नीच को बढ़ावा देना चाहते हैं, अमीरों को और अमीर करना चाहते हैं और गरीबों को गरीब करना चाहते हैं। ये किसानों के बारे में नहीं सोच रही, वो आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान जो है, जो मजदूर है, खेतों में काम करने वाला मजदूर है, वो भी जो है परेशान है, उस वो भी जो है कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, वो भी जो है कर्जे के नीचे दबे होने के कारण वो भी हत्याएं कर रहे हैं, अपनी जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके परिवार परेशान हैं। तो जो इन्होंने जो वादे किए हैं लोगों से,
तो वो इन्होंने जो वादे किए हैं सबका साथ सबका विकास, जी मेरा मानना है कि सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ अपनों का साथ और बाकी सबका विनाश, ये नीति मोदी जी ने अपनाई है। अवानी अडानी अवानी को जब भी मोदी जी बाहर गए हैं उनको साथ ले गए हैं और बड़े बड़े उनको व्यापार दुआए हैं, उन्हीं के थ्रू फिर बाद में ये फंड इकट्ठा करते हैं और लोगों को वोटें खरीदते हैं, बटोरते हैं और देश पे राज करते हैं। हमें ये व्यवस्था ख़त्म करनी होगी, ये व्यवस्था ख़त्म करनी जरूरी है। इसी तरह कांग्रेस ने किया है, पंजाब में कैप्टन सरकार आने के बाद उन्होंने कुछ वादे लोगों से किए थे। जी जी, एक वादा किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, नहीं दिया गया। उन्होंने वादा किया था कि फार्मर्स के जो जितने भी कर्जे हैं उन पर लकीर मार दी जाएगी, नहीं मारी गई। उन्होंने वादा किया था कि हम घर घर में नौकरी देंगे, नहीं देगी। तो ये वादे जो करते हैं और वादों को निभाते नहीं, मोदी जी भी वादे करते हैं और जुमलों वाले वादे करके, यानी पार्टी, मुझे तो समझ से बाहर है कि लोग इन पर भरोसा कैसे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिस पे लोग विश्वास करें और जिस पे लोग विश्वास करके उसका सत्कार करें। आज जगह जगह पे उनके बारे में बातें कही जा रही हैं, तो इसलिए ऐसी सरकारों को रखना जो है वो देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, बहुजनों के हित में नहीं है और समुच्चे शहरियों के हित में नहीं है। और अपने खुशीराम जी, आपने अभी अभी बात की है अकाली भाजपा गठबंधन की बात की है, आपने कांग्रेस की बात की है, जो उन लोगों के आवाम के साथ जो पंजाब के लोग थे, जो देश के लोग थे, उन्होंने वादे किए थे परंतु वो वादे पूरे नहीं किए। आप जो हमारे एक तीसरा बदल आया था विधानसभा चुनावों में, आम आदमी पार्टी आई थी, बहुत बड़ा रोल लेकर आई थी आम आदमी पार्टी, लोग समझ रहे थे तीसरा बदल है। अभी आप क्या समझ रहे हैं इन लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा? देखिए, जो हमारा जो गठबंधन है जी, बीएसपी, बहन मायावती जी ने बहुत सोच समझ के जो गठबंधन किया है, इसमें जो है खैरा की पार्टी है, पंजाब एकता पार्टी है और लोक इंसाफ का पार्टी जो है बैंस ब्रदर्स की है, गांधी जी की नया पंजाब पार्टी है, सीपीआई है बंत सिंह बराड़ जी की और पासला जी की आरएमपीआई है। जी जी, तो ये पंजाब में जो गठबंधन हुआ है ये पंजाब के लिए मैं समझता हूँ कि खुशहाली का दौर आने वाला है। तो आप जी ने खुशराम जी, आप जी ने गल की है सुखपाल खैरा जी की, गल की है बैंस ब्रदर्स की, गल की है धर्मवीर गांधी जी पटियाले, तो उन्होंने गल की है। अक्सर देखा गया है कि जोड़े सुखपाल खैरा जी है पंजाब लैवल दे लीडर है गया, जबकि जोड़े बैंस ब्रदर आ वो उन्होंने देखते हैं भी साडा कलीग है, जे उन्होंने देखण दिए सारे उन्होंने लीडर मान लैन सुखपाल खैरा जी, जिमें महागठबंधन के आए आते, जे इन की सोच बरकरार रहे, जो गठबंधन तुम प्रत्याशी बने हो बख वक्त आया तो उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए आ, उन्होंने नाल उन्होंने सोचण के नाल सुखपाल खैरा जी के जो गठबंधन किन्ना फर्क पेगा जो है उन्होंने नाल किन्ना पेगा? देखो, जो गठबंधन बनया वो सिद्धांतों पर बनया जी, सिद्धांत हमेशा जो कामयाब होंगे ने। सिद्धांत की रख्या गया है भी अच्छ देश के दे भाजपा कांग्रेस से अकाली सरकार को जोड़ा परे करना है, नकारना है जी। क्यों नकारना है? पंजाब की खुशहाली वास्ते, पंजाबीयत की खुशहाली वास्ते, पंजाब के लोगों जोड़ा है झूठे वादे किए गए ने उन्होंने मुख रखते हुए उन्होंने नकारना जरूरी है। देखो, बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब की हुई, गुरु ग्रंथ साहब नू सारे ही असी लोग मनन वाले हैं, पंजाब दे विता बच्चा बच्चा बुढ़ा बच्चा सब जिहड़े हैगे गुरु ग्रंथ साहब के अगे मत्था टेकदे ने। ऐसे कौन लोग ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की है? यह जे लोगों नू जिहड़ा हैगा, जे उन्होंने यह जिहा कीता तो उन्होंने हुण तक सजावां क्यों नहीं दित्ती गईआं? कि ये जिहड़ा हैगा सियासत नहीं खेली जा रही जी, ये सियासत खेली जा रही हैगी है, धार्मिक धर्म नाल सियासत खेली जा रही है, उपर मोदी जी खेल रहे ने धर्म की सियासत, नीचे जिहड़ा हैगा ये खेली जा रहे ने। तो ये गल्लां तो सानूं जिहड़ा छुटकारा पाना होएगा, सच्ची तो सुची सियासत करनी होएगी। जे देश वासियां नूं पंजाब दे लोगां नूं इंसाफ देना है, जे किसानां दी आत्महत्याओं नूं रोकना है, जे बेरोज़गारी नूं दूर करना है, जे छोटे व्यापारियों नूं राहत देनी है, जे अगर जवान जिहड़े बच्चे नशे जा रहे ने उन्हें नशा मुक्त करना है, जे किरती जिहड़े मर रहे ने उन्होंने उन्होंने कर्जा के बारे सोचना है, जे चंगी विद्या का चंगी सेहत का ते गरीब लोगों का समाजिक पद्धर उपर चुकन की गल करनी है तो इन्हों परे करना पेगा, वो बहुत जरूरी है, तद ही जिहड़ा हैगा समाज दे विच जिहड़ा हैगा देश दे विच पंजाब दे विच विकास हो सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि विकास समुचा विकास तद होएगा
ये सड़कां ते पुल बनाउन नाल सिर्फ विकास नहीं होंदा, विकास तद होएगा जदों देश दा बहुजन लोग मजोरिटी लोग उन्हां दा जिहड़ा है जीवन पद्धर समाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर ते विद्यक तौर पर उपर चुकया जाएगा। उन्हूं चुकन वास्ते विद्या का चंगा प्रबंध होना चाहिए, सेहत का चंगा प्रबंध होना चाहिए हैगा, तो समाजिक तौर पर सांझ इकट्ठी होनी चाहिए है, जात पात तो उपर उठ के। गुरु साहिबान ने भी यही किया सीगा। तो इस करके जिहड़ा भैन मायावती जी ने जी पंजाब वास्ते कोई प्रोग्राम दिता है, देश वास्ते भी प्रोग्राम दिता है, तो उन्होंने जो प्रोग्राम दिता है PDA ने पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस, जिस तरह मैं तुम्हें दस्या हैगा, उन्होंने ये तैयार किया है कि इस प्रोग्राम में असी इन बिन लागू करांगे जे साडी सरकार आ जाती है। तो उहदे विच की है, सब तो पहला जिहड़ा है इंपोर्टेंट पॉइंट हैगा उहदे विच है कि घर घर असी जिहड़ा हैगा नौकरी देवांगे बेरोजगारां नूं। असी ये नहीं चाहते कि बेरोजगार जिहड़े हैगे नशियां दे विच जाण, जिन्ने भी बेरोजगार ने उन्हां नूं नौकरियां दित्तियां जाणगे, जिहड़े बच गए उन्हां नूं रोजगार भत्ता दित्ता जाएगा, तां कि जिहड़ा है वह डिपेंडेंट ना रह सकन, वह आटा दाल दीआं स्कीमां ते डिपेंडेंट ना रह सकन, उन्हां नूं चंगी तनखा मिले, सन्मान मिले, मान मिले, इज्जत मिले, तो वह अपने जिहड़ा हैगा पैरां ते आप खड़े होकर आप भिखारियां दी तरह जिहड़ा हैगा मावां भैणां जिहड़ियां हैगियां पीले कार्ड बनाउण जांदियां तां लाइन ते लगना पैंदा हैगा, जे आटा दाल लैण जाणा तां लाइन ते लगना पैंदा हैगा। इस तरह ही बच्चे जिहड़े हैगे आ साडे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे करके जिहड़ा हैगा किन्ने ही बच्चे जिहड़े साडे जिहड़े हैगे आ पढ़ाई तों वांझा रहि गए जी। मैं खुशी राम जी, आप गल करिए, तुम्हें यह सवाल शुरू किया, ये तो पहला मैं तुम्हें दस दें, पंजाब यूनीवर्सिटी ने एक पिछले जहाँ ला कड़िया भी जे दलित बदल जिन्हों की फीसा नहीं आई उन्होंने डिग्रियां नहीं दिखाई जाएगियां, ये भी मैं थोड़े न जी पोस्ट मैट्रिक की स्कीम है ये कंबाइंड SC कमीशन से SC कमीशन ने बड़ी एफर्ट्स की सी पर नहीं सक्सैस हो सके पूरी तरह मिशन। इस सवाल के नाल लड़ी जोड़न का मेरा मकसद है कि तुम इस गलते भी एक प्रत्याशी हो, मतलब बसपा के प्रत्याशी हो, लोगों ने तुम अपने समाज लिए ये बारे भी की करोगे, ये भी सूँ ब्रीफ जरूर दसो जी। देखो मैं पहले ही दस रहा है भैन मायावती जी ने जिहड़ा हैगा जो प्रोग्राम दिता है उहदे विच गरीबां नूं जिहड़ा फ्री एजुकेशन होएगी जी, फ्री सेहत सेवावां होणगियां। जदों फ्री एजुकेशन ही होगी तो उन्हां दा दाखला रोकण दा जां उन्हां दी डिग्री रोकण दा सवाल ही पैदा नहीं होगा। भैन जी ने उत्तर प्रदेश दे विच पहलां ही बहुत कुछ कीता है, कॉलेज चंगे खोले ने, यूनीवर्सिटी चंगियां बनाईआं ने, है जी, मेरा ख्याल है किसी भी स्टेट दे विच उन्नियां यूनीवर्सिटी ते कॉलेज नहीं होए ने जदों उन्होंने अपने मुख्यमंत्री वेले खोले ने जिहड़े हैगे। तो इस करके पंजाब दे विच भी असीं इह चाहुंदे हैगे आ कि पंजाब दे पिंडां दा जिहड़ा विद्यक स्टेटस हैगा पद्धर हैगा ते शहरां दा जिहड़ा हैगा उहनूं बराबर कर दिता जावे, ते इस तरह दा पद्धर चुक दिता जावे कि कोई भी उन्हां स्कूलां विच जाण तों गुरेज ना करे, चंगी विद्या दा प्रबंध किया जाऊ, चंगी टीचरां दा प्रबंध किया जाऊगा। इस तरह ही ब्लॉक लैवल ते जिहड़े प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैगे ने उहनां नूं इस तरह दा बनाया जाएगा कि साडे जिहड़े मरीज़ ने गरीब मरीज़ ने उन्होंने जिहड़ा चंडीगढ़ या किसी होर पासे ना जाना पे बल्कि उत्थे ही सारियां सहूलतां उन्होंने प्रोवाइड कर दित्तियां जाण। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपने ये सन साडे जिहड़े सैलीब्रिटी अपने हुशियारपुर लोकसभा हल्के तो बसपा के प्रत्याशी श्री खुशी राम जी। मैं कोशिश करांगा साडे दर्शकों का आम तौर पर यह रहिंदा है भी जिहड़े साडे एंकर ने हिंदी पंजाबी बोलते हैं, मेरी हमेशा कोशिश रहिंदी है जिहो जिहा साडे प्रत्याशी बोलणगे हिंदी बोलणगे पंजाबी बोलणगे अंग्रेजी बोलणगे उस हिसाब नाल मेरा मतलब जिहड़ा राबता रहेगा जी। कोशिश करांगे गांह तो भी असीं अपने प्रत्याशी नूं हिंदी पंजाबी अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज गल करिए अपने दर्शकों को दस सकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी खुशी राम जी, तुम्हें DD समाचार लिए गल की, असं आने वाले समय से भी कोशिश करा कि असी फिर तो इलैक्शन के दौरान इलैक्शन नहीं मैंने इलैक्शन आ वो तो पहला भी फिर आप जी ने गलबात की जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हुशियारपुर तो DD समाचार लिए दलजीत अजनोहा।